हेलो एवरीवन वेलकम टू द जे के एस एस बी स्टडी फर्स्ट तो कल हमने लेटर सीरीज़ पढ़ा था लेटर सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट हमने कल ऑलरेडी अपलोड किया है आज हम लेटर सीरीज़ का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और यही इसका फाइनल पार्ट रहेगा कल हमने सीखा था कि हम किस तरह लेटर सीरीज़ को इस अप्रोच से सॉलो करते हैं सबसे पहले हमने सीखा था हम इन लेटर्स को पहले काउंट करते हैं इन लेटर्स को हम पहले काउंट करते हैं विथ ब्लैंक्स लेकिन आपको याद रखना है ब्लैंक्स भी आपको साथ साथ काउंट करना है जिस तरह हमने कल क्वेश्चन किए थे उसी तरह आज हम यह क्वेश्चन भी करेंगे देखो सबसे पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इसका मतलब टोटल लेटर्स एटीन है टोटल लेटर्स एटीन है तो हमने कल सीखा था जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स एटीन होंगी तो ग्रुपिंग होगी थ्री थ्री की या से यहाँ पर हम पहले थ्री थ्री की ग्रुपिंग करेंगे वन टू थ्री 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 अगर हम इस ग्रुप को देखेंगे ये कम्प्लीट ग्रुप है इसमें है ए बी लेकिन अगर हम इसे फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर है बी सी यहाँ पर फर्स्ट लेटर था ए लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेटर है बी अगर इससे पहले ग्रुप देखेंगे तो इसमें भी फर्स्ट लेटर है ए इसमें भी फर्स्ट लेटर है ए इसमें भी फर्स्ट लेटर है ए इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ग्रुप में फर्स्ट लेटर ए ही आता है यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है और अगर हम इस ग्रुप को देखेंगे यहाँ पर भी ए है ये ग्रुप फर्स्ट है ये सेकेंड ग्रुप है ये थर्ड ग्रुप है ये फोर्थ ग्रुप है ये फिफ्थ ग्रुप है और ये सिकस्थ ग्रुप है अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे थर्ड ग्रुप को देखेंगे और फिफ्थ ग्रुप को देखेंगे इसमें भी फर्स्ट लेटर ए है इसमें भी फर्स्ट लेटर ए है और इसमें भी फर्स्ट लेटर ए है इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लेटर ए है यहाँ पर भी हम सेकेंड लेटर ए लिखेंगे यहाँ पर भी सेकेंड लेटर ए ही है और यहाँ पर भी सेकेंड लेटर ए ही आएगा तो बन गया ए ए बी ए ए बी ए बी इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था अब हम देखेंगे सेकेंड फोर्थ और सिकस्थ यहाँ पर देखो सिकस्त ग्रुप कंप्लीट है बी सी सी बी सी सी ये सिकस्त ग्रुप है तुम देखो फोर्थ ग्रुप यहाँ पर भी आएगा बी सी सी अब देखो सेकेंड ग्रुप बी सी सी इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था यहाँ पर अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था तो आंसर आया ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप वीडियो फर्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर नाइन डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टूल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहाँ पर टोटल लेटर्स फिफ्टीन है हमें पता है जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स फिफ्टीन होंगी तो ग्रुपिंग होगी थ्री की या फाइव की थ्री की या फाइव की पहले हम थ्री थ्री की ग्रुपिंग करेंगे वन टू थ्री 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 अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज़ करो यहाँ पर फर्स्ट लेटर मिसिंग है सेकेंड लेटर यहाँ पर बी है बी के बाद यहाँ पर सेकेंड लेटर इस ग्रुप में सेकेंड लेटर बी है इस ग्रुप में सेकेंड लेटर सी है इस ग्रुप में सेकेंड लेटर ए है इस ग्रुप में सेकेंड लेटर मिसिंग है और इस ग्रुप में सेकेंड लेटर सी है तो समझ आता है बी के बाद बी के बाद सी आता है सी के बाद ए आता है बी के बाद बी के बाद सी आता है सी के बाद ए आता है तो ए के बाद कौन आना, चाहि? आना, आना चाहिए ए के बाद बी आना चाहिए ए के बाद बी आना चाहिए और बी के बाद सी आता है यह कौन सा लॉजिक फॉलो करता है ए के बाद ए के बाद बी बी के बाद सी और सी के बाद ए ए के बाद बी बी के बाद सी और सी के बाद ए हमें पता है यहाँ पर बी है बी के बाद आएगा सी तो आया यहाँ पर सी सी के बाद आएगा ए सी के बाद आएगा ए तो यहाँ पर ए आया और यहाँ पर ए के बाद आएगा बी तो यहाँ पर बी आया हमें पता है बी के बाद आएगा सी बी के बाद आएगा सी तो यही लॉजिक ये फॉलो करते हैं ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद ए अगर हम यहाँ पर थर्ड लेटर देखेंगे थर्ड है सी थर्ड है सी सी के बाद ए तो यहाँ पर सी के बाद ए आया ए के बाद बी आना चाहिए यहाँ पर तो ए के बाद बी है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बी है बी के बाद सी बी के बाद सी और हमें पता है सी के बाद ए और यहाँ पर भी सी के बाद E ठीक अब हमें फर्स्ट लेटर देखना है फर्स्ट लेटर देखना है यहाँ पर है ए यहाँ पर है ए इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर है ए।, ए।, ए से पहले क्या ए से पहले है सी तो यहाँ पर सी आना चाहिए सी ए से पहले हैं सी ए से पहले हैं यहाँ पर भी सी सी से पहले बी तो यहाँ पर बी आना चाहिए बी से पहले देखो ए तो यहाँ पर ए ए बी सी ए तो यहाँ पर आना चाहिए बी यहाँ पर आना चाहिए बी इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत पढ़े हैं वीडियो फर्स्ट में भी तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होता है ए बी सी बी सी ए सी ए सी बी सी ए यहाँ पर ग्रुप बनता है ए बी सी का लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर चेंज ऑर्डर चेंजिंग है किसी ग्रुप में ए पहले आता है किसी में बी पहले आता है और किसी में सी पहले आता है सिर्फ चेंजिंग ऑफ लेटर्स हैं तो ये क्वेश्चन भी सोलो हो गया तो आंसर आएगा ए बी सी ए बी सी बी बी ए बी सी ए बी सी बी बी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन डैश बी सी ए डैश सी ए बी सी डैश ए बी सी ए डैश बी पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं जब हमने लेटर्स की काउंटिंग की तो यहाँ पर टोटल लेटर्स सेवनटीन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन यहाँ पर टोटल लेटर्स सेवनटीन है हमें पता है जब भी टोटल लेटर्स सेवनटीन होंगे तो हमें इस सूर में पता नहीं ग्रुपिंग क्या होगी तीन तीन की ग्रुपिंग होगी फोर फोर की ग्रुपिंग होगी फाइव फाइव की ग्रुपिंग होगी या सिक्स सिकस की ग्रुपिंग होगी हमें पता नहीं इन में से कौन सी ग्रुपिंग होगी इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑप्शन एप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी इन चार ऑप्शनज़ में हमें देखना है कौन सा यूनिक ऑप्शन है कौन सा यूनिक ऑप्शन है अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे इसमें पहला लेटर है ए अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे इसमें पहला लेटर है बी थर्ड ऑप्शन में पहला लेटर है ए फोर्थ ऑप्शन में भी पहला लेटर है ए इसका मतलब ऑप्शन ए में ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में इसमें पहला लेटर ए ए आता है इसमें भी पहला लेटर ए आता है इसमें भी पहला लेटर ए है और इसमें भी पहला लेटर ए है इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये यूनिक ऑप्शन है ये यूनिक ऑप्शन है क्यों इसमें पहला लेटर बी है पहले हम यूनिक ऑप्शन को फिल करते हैं क्वेश्चन में बी बी सी ए इसका मतलब हमने ऑप्शन को फिल किया यूनिक ऑप्शन से यहाँ पर था बी बी सी ए और मैंने यही लिखा बी बी सी ए अब हम कोशिश करते हैं ग्रुपिंग की देखो बी 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 सी ए बी बी हाँ बी बी सी ए हाँ ग्रुप बन गया बी बी सी ए बी सी ए बी बी सी ए इसका मतलब हमारे पास ग्रुपिंग बनता है बी बी सी ए का क्यों यहाँ पर भी बना बी बी सी ए यहाँ पर भी बना बी बी सी ए यहाँ पर भी बनना चाहिए बी बी सी ए बी सी सी ए लेकिन यहाँ पर बना बी सी सी ए हमारा रिदम टूट गया इससे हमारा रिदम टूट गया बी सी सी ए यहाँ पर भी बनता है बी सी ए इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द रॉन्ग आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है क्यों यहाँ पर आया बी बी सी ए बी बी सी ए बी सी सी ए बी सी ए इसका मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुपिंग बनता ही नहीं ये मैंने इरेज किया अब कुछ भी हो जाए ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी चाहे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो चाहे ऑप्शन सी करेक्ट हो चाहे ऑप्शन डी करेक्ट हो तीनों सूरतों में पहला लेटर होगा ए क्यों इसमें भी पहला लेटर ए है इसमें भी पहला लेटर ए है और इसमें भी पहला लेटर ए है अब हम कोशिश करते हैं ग्रुप की देखो ए बी सी ए बी सी इसका मतलब ए के बाद आता है बी बी के बाद आता है सी ए सी ए बी इसका मतलब यहाँ पर भी सी आएगा ए बी सी ए बी बन गया एक ग्रुप ए बी सी ए बी ए सी ए सी सिर्फ ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए आता है ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है सी आता है ए के बाद बी आता है ए के बाद बी आता है यहाँ पर हमने एक ग्रुप क्लोज़ किया अब हमने सेकेंड ग्रुप देखा यहाँ पर सी है सी से पहले क्या आता है सी से पहले आता है बी तो यहाँ पर मैंने बी लिखा बी बी के बाद बी के बाद बी के बाद, बी के बाद सी यहाँ पर सी है सी के बाद ए यहाँ पर ए है और ए के बाद बी है यहाँ पर बी है बी के बाद सी है ए बी सी ए बी, बी सी ए, बी सी।, ए बी सी एक और ग्रुप क्लोज हो गया यहाँ पर है ए।, ए से पहले क्या आता है ए से पहले आता है सी तो यहाँ पर सी लिखो सी ए सी यहाँ पर देखो बी से पहले क्या आता है बी से पहले आता है ए बी से पहले आता है ए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ग्रुपिंग की वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू सबसे पहले हमने काउंटिंग किया जब हमने काउंटिंग किया हमारे पास सेवन लेटर्स था हमें पता है जब भी सेवन लेटर्स होंगे उस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन मैंने पहले यूनिक ऑप्शन देखा यूनिक ऑप्शन मैंने फिट किया यहाँ पर लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना ही नहीं तो फिर ऑप्शन ए बचा ऑप्शन सी बचा ऑप्शन डी बचा तीनों ऑप्शनों उप्ष, में पहला लेटर ए आता है तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए पहला लेटर ए ही होगा पहला लेटर ए ही होगा चाहे ऑप्शन ए करेक्ट हो चाहे ऑप्शन सी करेक्ट हो चाहे ऑप्शन डी करेक्ट हो यहाँ पर ए ही आना है फिर मैंने देखा ए बी सी यहाँ से मुझे पता चला ए के बाद ए के, बा, के बाद ए बी सी ए के बाद बी आता है बी के बाद सी आता है सी के बाद फिर ए आता है ए के बाद फिर बी आता है तो फिर मैंने एक ग्रुप को क्लोज़ किया फिर मैंने देखा यहाँ पर ब्लैंक था ब्लैंक को मैंने फिल करना था मुझे पता है सी से पहले आता है सी से पहले आता है बी तो मैंने यहाँ पर लिखा बी बी के बाद सी ए सी तो यहाँ पर एक और ग्रुप क्लोज हुआ मुझे पता है यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है ए से पहले आता है सी तो मैंने यहाँ पर सी लिखा सिमिलरली यहाँ पर बी है बी से पहले आता है ए तो मैंने यहाँ पर ए लिखा इसका मतलब ए बी सी ए बी सी ए ए बी सी ए बी सी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर अलेवन ए A बी ए डैश बी ए डैश बी ए डैश ए पहले हम लेटर्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन यहाँ पर टोटल लेटर्स नाइनटीन है हमें पता है जब भी टोटल लेटर्स नाइनटीन होंगे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन पहले हम यूनिक ऑप्शन फाइंड करते हैं यहाँ पर ए है फर्स्ट लेटर यहाँ पर बी है फर्स्ट लेटर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है इसका मतलब यहाँ ए यहाँ ए दो में ए और दो में बी दो में ए और दो में बी तो यहाँ से हमें यूनिक ऑप्शन का पता नहीं चलता अब हम लास्ट लेटर चेक करते हैं यहाँ पर यहाँ पर बी है यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। यहाँ पर ए है। इसका मतलब बी एक वाद ऑप्शन है जिसका लास्ट लेटर ए है तो ये बनेगा यूनिक ऑप्शन यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी बी लेकिन यहाँ पर ए है इसका मतलब ये बनेगा यूनिक ऑप्शन यूनिक ऑप्शन को हम फिल करते हैं ब्लैंक्स में बी ए बी ए बी ए ए अब हम पैटर्न देखते हैं अब हम पैटर्न देखते हैं ए बी 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 ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल ए या इसका मतलब ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए इसका मतलब ये पैटर्न बना ही नहीं ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए लेकिन यहाँ पर ए बी बी है इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं है अब बचा तीन ऑप्शन एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन और ये एक ऑप्शन अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो तब भी लास्ट ब्लैंक में बी आएगा अगर ये ऑप्शन करेक्ट हैं तब भी लास्ट ब्लैंक में बी आएगा अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तब भी लास्ट ब्लैंक में बी आएगा इसका मतलब कुछ भी हो जाए इस ब्लैंक में बी को ही आना है अब हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे यहाँ पर डबल ए है यहाँ पर डबल बी है यहाँ पर डबल ए है इसका मतलब यहाँ पर डबल बी होगा डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल ए डबल बी चार चार का डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी इसका मतलब ए बी 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 ए बी 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 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सबसे पहले हमने काउंटिंग किया काउंटिंग में हमें मिला नाइनटीन लेटर्स नाइनटीन लेटर्स को हम सोलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हमने पहले यूनिक ऑप्शन को फाइंड किया लेकिन उससे हमें कोई पैटर्न बना ही नहीं तो फिर हम गए रिमेनिंग थ्री ऑप्शन पर तो हमने यहाँ पर बी को लगाया तो हमें एक पैटर्न मिला इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना थैंक यू